तो आज का दिन स्कूबा के नाम। हाय गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने चेक इन किया था फॉरेस्ट एलिफेंट में इन हैवलॉक, जो कि काफ़ी रस्टिक है, काफ़ी फॉरेस्ट वाला वाइब है यहाँ पर। और जो कमरा है वो बहुत ही इको फ्रेंडली है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ डबल स्टोरी। यू मस्ट सी इट इफ एट ऑल यू वांट टू फील लाइक दैट यू आर वेरी क्लोज टू नेचर। देयर इज अ बालकनी एंड ऊपर जाके दिस इज योर बेड और यहाँ पर आपको एसी नहीं मिलेगा। बट अभी 10:30 बजे और अभी तक एसी की मुझे तो ज़रूरत फील नहीं हुई। और एनी विच वेज दिन के टाइम में आप बाहर घूमने वाले हो, अगर बाहर नहीं घूमोगे तो फॉरेस्ट में बैठो रूम में क्या करोगे। सो टुडे आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम हेयर और यहाँ से मैं निकल के तीसरी जगह जा रहा हूँ जो कि है डॉल्फिन हैवलॉक। डॉल्फिन जाने से पहले राइट नाउ मैं जा रहा हूँ काला पत्थर बीच जो कि सनराइज बीच है और अभी 10:30 बज रहे हैं। बट क्योंकि ये फॉरेस्ट एलिफेंट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आई थॉट डॉल्फिन जाने से पहले वहाँ जाना चाहिए और कल सुबह आऊँगा सनराइज़ देखने को। आई हैव जस्ट रीच हेयर और अलग ही लेवल का ब्लू पानी है यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच, कल सुबह आना ही पड़ेगा। So I've reached to the dolphin, मेरा आज का आशियाना। Hi, checking in. Nitesh. Dolphin is owned by government and it looks pretty great as the first glance. This is the VIP cottage, ranging around 15,000. Great room and a great view. This is deluxe room, ranging at around 4,500. Sea view. The Dolphin Resort is right there on the beach, so कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। And in the afternoon, I went to this resort near Radhanagar Beach, which is a great option to stay towards the west of Havelock and experience some luxury as well. Nicobari Villa in Barefoot at Havelock. और फिर लंच करने के बाद मैं निकल पड़ा राधानगर बीच के पास में ही एक आइसोलेटेड बीच की तरफ। तो पहले हम जाएंगे राधानगर बीच और उसके बाद में निकलेंगे नील्स को, करेक्ट है? सो दिस इज द फॉरेस्ट एंड द ऑल ट्रीज आर महुआ ट्रीज। ओके, दीज आर अराउंड 100 इयर्स ओल्ड, इवन मोर देन दैट। 100 इयर्स ओल्ड, या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ना, जिसमें ऊपर ही जाके ब्रांचेस बनती है। यस यस, पहले नहीं बनती। आई एम थिंकिंग आई विल प्रोबब्ली कम वन मोर टाइम, क्योंकि और कुछ नहीं ना, तो ये जो रोड है राधानगर से गोविंद नगर की जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इट्स एक नंबर रोड है, अमेजिंग वन। नाउ राधानगर में आना तो ऐसी जगह आना है जहाँ पर कोई लोग हो ना, आइसोलेटेड हो। I'm at the beach.
द बेस्ट थिंग क्या है पता है, इतने सारे लोग हैं हैवलॉक में पर पूरा नील स्कोप खाली है, एक इंसान नहीं दिख रहा। नहीं एक तो दिख रहा है, बहुत दिख रहे हैं आप। अब दिख गए, अरे दो लोग आ गए। मैक्सिमम फॉरेनर ही होंगे यहाँ से। ये देखिए तुमने क्या, ये तैरती भी है और छलांगे भी मारती है। देखो देखो ये तो कूद के गई उधर। ओहो बहुत सही बीच है। What do I believe? What makes me feel it to write you this song? गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 10 मिनट में सनराइज़ होने वाला है। द गुड थिंग इज़ कि इस बार मुझे सनराइज़ के लिए कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने रिजॉर्ट के कॉर्नर पर जाना है जहाँ से बीच साल चालू होता है, एंड आई कैन सी सनराइज़ देयर प्रोवाइडेड कि बादल ना हो। तो अभी हम दोनों ये और मैं सनराइज़ का वेट कर रहे हैं। इतना अच्छा सनराइज़ देखने के बाद में अब मैं तैयार होकर जा रहा हूँ फॉर द एक्टिविटी जिसके लिए बहुत एक्साइटेड था। आई लेट यू नो वंस आई रीच देयर, पर अभी के लिए 7:15 बज रहे हैं और मुझे क्विक ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि आई हैव टू रीच देयर बाय 7:45। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ सीशेल होटल में। यहाँ पर स्कूबा लव का ऑफिस है और मैं आज उनके साथ DSD करने वाला हूँ, विच इज़ अ डिस्कवर स्कूबा डाइव। दिस इज़ अ 40 मिनट्स डाइव एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही बार स्कूबा किया है। रेगुलेटर माउथपीस, दिस इज वाई यू हैव टू होल्ड विद योर टीथ राइट, push your lips forward and seal your lips with O shape and you breathe nice and slow, inhale yeah. and exhale nice and long, okay? Correct. Now your ear not okay? Yeah, this is out of here. Change to this. If you're good, then what you're gonna do is just bend forward, dip your face under the water and breathe.
बट द बेस्ट क्लींजर टू क्लीन योर मास्क इज इनसाइड यू. मास्क पकड़ो, स्पिट, और इससे जो क्लीन होता है वो बहुत सही रहता है. देन यू जंप इनटू द वाटर. आफ्टर एन अमेजिंग स्कूबा मैं वापस आ चुका हूँ डॉल्फिन में, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ. ये एक इंक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया देन यू मस्ट डू इट. पानी के अंदर की दुनिया एक अलग ही लेवल की होती है, और एक अलग ही शांति फील होता है. दादानगर बीच डे 3, सनसेट आज तो दिखना चाहिए. दादानगर बीच को एशिया का बेस्ट बीच माना जाता है, और वर्ल्ड के टॉप बीचेस में ये 7th रैंक पर है. और आज तो भगवान बहुत ही मेहरबान था, मुझे सिर्फ एक अमेजिंग सनसेट ही नहीं, उसके बाद में यहीं पर ही एक बहुत अच्छा स्टार गेजिंग करने का एक्सपीरियंस भी मिल गया. हैवलॉक में सिर्फ एक ही सुपरमार्केट है, हाईलैंड सुपरमार्केट, जो कि मार्केट एरिया में है और सिर्फ रात को 8 बजे तक खुला रहता है. तो मैं काला पत्थर बीच पर हूँ और सनराइज से पहले पहुंच चुका हूँ, सो दैट्स अ गुड थिंग. नाउ टाइम टू गेट दिस ब्यूटी अप इन द एयर. काला पत्थर से सनराइज देख के मैं आ चुका हूँ वापस से डॉल्फिन में. वेल आई हैव स्टेड इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन हैवलॉक. ऑल 3 आर डिफरेंट इन देयर ओन वेज. इफ्तेशा जो था वो काफ़ी सस्टेनेबल था, बट थोड़ा लग्जरी भी था. यू हैड एसी एंड टीवी. फॉरेस्ट एलिफेंट वाज वन हेल लॉट ऑफ अ इको फ्रेंडली प्लेस, जहाँ पर कोई टीवी नहीं था, कोई एसी नहीं था, और इट फील्स लाइक आप जंगल के बीच में हो. और अगर आपको रिजॉर्ट वाला फीलिंग चाहिए और सनराइज भी अपने रिजॉर्ट से देखना है, तो और कहीं मत जाओ, सीधे डॉल्फिन बुक करो अभी, क्योंकि 9 बज चुके हैं और पानी का कलर काफ़ी अच्छा हो गया है.
आई वॉन्ट टू गो बैक टू काला पत्थर बीच एंड गेट सम ड्रोन शॉट्स, क्योंकि यहाँ से नहीं ले सकता ड्रोन शॉट्स. डॉल्फिन इज अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट, सो काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं. लेट मी शो यू कपल ऑफ ड्रोन शॉट्स नाउ विद दिस कलर ऑफ वाटर फ्रॉम काला पत्थर बीच, एंड फिर हम निकलेंगे फेरी के लिए जहाँ से मैं आज जाने वाला हूँ, पोर्ट ब्लेयर. लेट्स गो. सो दैट्स द बोट जिससे मैं जाने वाला हूँ, और मैं हूँ अभी हैवलॉक की जेटी पर. 4:30 बज रहे हैं. वेरी इंटेंशनली आई हैव बुक दिस गवर्नमेंट फेरी, क्योंकि गवर्नमेंट फेरी में आप डेक पर भी जा सकते हो और मैं एक अच्छा सनसेट देख पाऊँगा बोट से वाइल गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर फ्रॉम हियर. एंड विद दैट मेरी अंडमान की जर्नी ख़त्म होती है. नेक्स्ट वीक आई विल सी यू विद अ न्यू डेस्टिनेशन. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक और एक कॉमेंट कर देना. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. फिर मिलेंगे. Oh,